हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इधर जा रहा बोले तो किचन मंथली आइटम्स परचेस करने के लिए हम लोग डीमार्ट जा रहे हैं। अभी घर से मैं निकाला, घर से अभी डीमार्ट जाने तक मैं भी निकाला। हैदराबाद वाला भी तो मालूम होता है रास्ता किधर है, इधर बोले तो अदर स्टेट वाला भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, इसलिए उन लोग बताने के लिए उन लोग भी पूछ रहे हैं। बाहर भी जाने के टाइम वीडियो निकाल दीजिए बोल के पूछ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। ये वीडियो स्किप नहीं करना, आप लोग देखे फुल वीडियो देख लीजिए, देखे कमेंट कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोग देख रहे हैं कि बोले तो मैं कितना सामान का सामने में बैठ रहा हूँ। ये तो कई को ऐसा करें बोले तो एक महीना का सब लोग रहते ना लेते ना, एक महीना का बजट में सामान लेते ना। मैं भी ऐसी चीज़ लेता हूँ महीना महीना में, फिर अभी बीच में नहीं लिया। मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बेटा रहने के पहले बड़े बेटा मार्च में सामान लिए मैं डी मार्ट में जाके, उस टाइम ले लिया तो उस टाइम ले लिया, उसके बाद में मेरा बेटा डेड हो गया ना, उसके बाद में नहीं लाया कुछ भी सामान नहीं है। फिर घर में बनाने के ऐसी चीज़ बनाने तो दिल नहीं है, इसलिए नहीं लाया। फिर मैं हम लोग गाँव चले गया, फिर जाके आने के बाद भी डेली सामान लेके आता था, इसलिए पैसा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो रहा है, उसलिए क्या अभी भी कहीं को वेस्ट करना बोल के अभी डी मार्ट गए। हम लोग डी मार्ट के जाता हूँ, कभी कभी रिलायंस में लेके आता हूँ, फिर जा कुछ इमरजेंसी है तो समटाइम्स ज़्यादा ले तो डी मार्ट में जाके लेके आता हूँ। उधर तो हमारा बजट कितना बोले तो उतना बजट का हम ले सकते हैं ना, इसलिए इधर पूरा पैकेट पैकेट में मिलते हैं रिलायंस में, इसलिए पैकेट बोले तो पैसा ज़्यादा आते हैं। डी मार्ट में एक बेनिफिट क्या बोले तो पूरा लूज में रहते हैं, हम लोग हमारा मर्जी में 2 किलो नहीं तो 1 किलो भी ले सकते हैं। पैकेट का भी और लूज का भी डिफरेंट रेट ज़्यादा है, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ फराक में अभी मिल रहा है ना, इसलिए मैं इस टाइम अभी डिमांड गया ना। पैकेट का पैसा और लूज का पैसा डिफरेंट आ गया, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ एक एक दाल के लिए ऐसा आ रहा है, इसलिए लूज में ले लिया पूरा मैं। कभी कभी लूज में लेता हूँ, कभी कभी नहीं हो तो इमरजेंसी में है तो वेजिटेबल लेने के टाइम रिलायंस में लेके आता हूँ। अभी मैं डिमांड में जाके पूरा लेके आया, ये सामान पूरा मैं कैसा भी 2 महीना तक आते हैं, 1 महीना बजट कर रहे हैं, बजट में लिख के कुछ भी सामान आई है घर में, इसलिए पूरा लेके आया। कितना बजट में लास्ट में बोलता हूँ उतना बजट अच्छा आ गया। फिर स्नैक्स कुछ भी नहीं लाया मैं, स्नैक्स कुछ भी नहीं लेता हूँ बच्चा के लिए। काली बिस्किट लेके आया, उन लोग चाय पीने के टाइम काली बिस्किट लेके आया, और मिठाई से कुछ भी उन लोग को हलवा क्या बोलते हैं आदत नहीं कर रहे हैं हम लोग को। कभी कभी रार में चॉकलेट लेके आता हूँ तो उतना ही बस है। आइसक्रीम तो उनको बंद कर लिए और चॉकलेट बंद कर लिए और स्वीट का आइटम्स भी पूरा बंद कर लिए। अभी का कोरोना का सिचुएशन पूरा में हम लोग को बच्चा वालों को पूरा केयर करके बंद कर लिए। कभी कभी क्या बोले तो क्या होना बोले तो उसकी क्या बोलते हैं तिल के नोबल 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 का मिठाई नहीं तो पल्ली मिठाई और मुरकुल नहीं तो वही लेके आके देता हूँ था। वो भी कौन सा शॉप में बोलते हो, विशाल का बाजू में एक शॉप है, उधर पूरा मिलते हैं चिप्स रहते हैं, पूरा चिप्स रहते हैं फ्रेश में मिलते हैं, उधर ही मिले के उन लोग देता हूँ स्नैक्स के लिए। मैक्सिमम मैं घर में प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए घर के लिए सामान पूरा मैं लेके आया, बच्चा के लिए स्नैक्स कुछ भी नहीं लाया, इसलिए घर का सामान कितना बोलते हो मैं लास्ट में बोलता हूँ। अभी देख लीजिए, अभी मैं इसका बैग भी परचेस कर लिए, 30 रुपीज़ एक बैग है, अच्छा है फिर भी अच्छा है, लेकिन जल्दी वो कट हो जा रहे हैं स्टिचिंग करना क्या वो। अभी बता, अभी मैं बोल रहा हूँ क्या क्या बोले तो, ये रागी पाउडर मालूम है आपको, रागी पाउडर 3 किलो लिए, ये कहीं को इतना बोले तो इसमें मैं काली क्या बोलते रागी जवा मात्र नहीं बनाता हूँ,
इसमें स्वीट भी बनाता हूँ, हमारा साइड इसमें स्वीट भी बनाते हैं, वो तो मैं स्वीट का वीडियो हम अपलोड करता हूँ इसमें क्या स्वीट बनाते हैं बोल के, टेस्ट अच्छा रहता है, हेल्दी है। नॉर्मल में राइस पाउडर में स्वीट बनाते हैं ना, इसमें भी बना सकते हैं हम लोग को, हेल्थी में बना के हम लोग खा सकते हैं, इसलिए स्वीट के लिए लेके आया मैं। दूसरा वीडियो में कौन सा स्वीट बोल के आपको मैं बताता हूँ। ये तो 3 किलो है, और बोल गया इसके क्या बोलते पुटना आलू तो 1.5 किलो है। ये तो काली चटनी के लिए नहीं है, कभी कभी स्नैक्स नहीं है तो इन लोग बच्चा लोग क्या करते हैं बाउल में डाल के उसमें थोड़ा ऑयल नहीं तो घी डालते हैं, घी डाल के आनियन कट करके उसमें डालते हैं और जीरा डाल के मिला के खाते हैं उन लोग को। यूनिक स्नैक्स कुछ भी नहीं है तो यही काली करते हैं उन लोग को, पुटनालू घी नहीं तो ऑयल, और हमारा मर्जी घी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी क्या बोलते हैं हेल्थी है ना, इसलिए घी डालते थोड़ा साल्ट और जीरा और आनियंस ये पूरा मिला के खाते हैं उसके लिए, चटनी के लिए भी और उसके लिए भी। ये तो मालूम है सांबा रवा, ये छोटी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची को उपमा इसमें बनाता मैं, उन लोग इसमें तो अच्छा टेस्ट में खाते हैं, उन्होंने बारीक रहते ना इसलिए वो थोड़ा बड़ा रहते उपमा रवा, इसलिए वो नहीं खाते, मैं ये तो आदत कर लिया उनको इसलिए वही खाते। और पल्लीलू कितना 2 किलो ले लिए, चटनी के भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी सलाद भी मैं बनाता ना उस टाइम थोड़ा बॉईल करके वो सलाद में मिक्स करके मैं खाता हूँ, इसलिए 2 किलो ले लिए। मैक्सिमम ये आइटम खाली होते हैं क्या कि पल्ली आइटम खाली होते हैं, पटनल आइटम खाली होते हैं। और क्या ये क्या बोले तो इडली गुंडू, इडली दाल, ये भी 3 किलो ले लिए। क्या क्यों बोले तो ज़्यादा हमारे घर में डोसा इडली प्रिपेयर करता हूँ, चपाती बोले तो आते लेकिन कितना करते ज़्यादा घर के नहीं आता ना इसलिए टाइम नहीं है, इसलिए डोसा की इडली प्रिपेयर करने के लिए अभी 3 किलो ले लिए। ये क्या बोलते हैं अटकुलू भी 2 किलो ले लिए, ये भी स्नैक्स के लिए उन लोग को। इसमें कारम तो मैं नहीं बनाते नहीं आते मेरे को, इसमें स्वीट बनाने के लिए आते मेरा सेड इसमें स्वीट ज़्यादा बनाते वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ इसमें क्या स्वीट बनाते बोल के। इसमें पायसम भी कर सकते टेस्ट अच्छा रहता है, इसलिए मैं बना के आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। ये मैदा उपमा रवा बोले तो वो भी 2 किलो ले लिए। उपमा नहीं बनाता घर में, ये गाय को बोले तो केसरी के लिए, कभी कभी स्नैक्स नहीं है बोले तो केसरी प्रिपेयर करता हूँ, उन लोग की केसरी पसंद है इसलिए। ये एक बैग फुल हो गया। और ये बेसन का पाउडर, ये भी 2 किलो ले लिए, इसमें भी काम नहीं है फिर भी कई किलो ले लिए बोले तो कभी कभी फेशियल करना बोले तो, और आनियन का पकौड़ा नहीं तो बोंडा ऐसा प्रिपेयर करते ना उस टाइम, फिश फ्राई करने के टाइम ये धुआँ डाल के फिश फ्राई करता हूँ उसके लिए। ये भी मैदा का आटा भी यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए केजी ले लिए। एक एक को बोले तो के बूरी नहीं तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए। ये दाल सांभर दाल, ये 2 किलो ऑलरेडी 1 किलो है, ये सांभर दाल नहीं है, ये क्या चना की दाल 2 किलो है। ये सांभर दाल भी 1.5 किलो ले लिए। सांभर ज़्यादा नहीं बनाता हूँ,
इसलिए कम ले लिए। ये ग्रीन गरम दाल इसमें डोसा प्रिपेयर करने के लिए लेके आया, और सोंडल भी खा सकते हैं स्नैक्स टाइम, इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हैं ना उसके लिए। ये मूंग दाल भी पायसम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें स्वीट अच्छा टेस्ट आता है, वो भी मैं वीडियो करता हूँ। तमिलनाडु में स्पेशल रहते हैं पायसम मूंग दाल में, मूंग दाल का पायसम तो बहुत टेस्ट रहते हैं, येलो कलर में रहते हैं, कलरफुल आते हैं। इसमें बेलन डाल के बनाना पड़ेगा, शुगर कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, बेलन डाल तो कोकोनट मिल्क ऐड करके बनाता हूँ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। और ये सांबार पाउडर MTR हमारा चेन्नई का वो सांबार, इसलिए ये छोले मसाला सबको मालूम है। ये रॉक साल्ट, सॉरी क्रिस्टल साल्ट, मैं घर में यही यूज़ करता हूँ, इसलिए चार पैकेट ले लिए। ये तो क्या बोलते मेंथलू, ये ग्रीन पटानी कुर्मा के लिए, और ये नुवलु बॉल्स बनाने के लिए, ये पसुपु पाउडर, पास्ता ये बीट का पास्ता, कैलोरीज कम, नो कोलेस्ट्रॉल करते, कैलोरी कम है इसमें, क्यों बोले तो वीट का है ना इसलिए, वीट का पास्ता बोले तो गोधुमा का है ना इसलिए, मैदा बोले तो कैलोरी ज़्यादा रहते हैं इसलिए जीरो कैलोरी बोल के, टोटल फैट है 0.9 करते हैं इसलिए लेके आया। 1+1 फ्री, इसको फ्री। और चिल्ली पाउडर 2 किलो लेके आया, 1 किलो है और 1 किलो अंदर है। साबुदानिया 2 पैकेट लेके आओ, अगर 1 kg। मिरियालु 1 पैकेट बस होते हैं। और सोम बोलते ना वही चे, ये कसायम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं ना इसके लिए, ओमा जो ना अजवाइन वो भी ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे घर में प्रिपेयर कसायम प्रिपेयर करने के लिए, और ये भी यूज़ करता हूँ कसायम प्रिपेयर करने के लिए। ये माल में चिनमन स्टिक 2 पैकेट लेके आया, और इलायची 2 पैकेट, इमली 1 किलो, ये चना वही चना ले होना, वही चना चना से ये चना बेटर करते, और खाने के ज़्यादा इसमें एनर्जी स्ट्रांग रहते करते, इसलिए मॉर्निंग भी ये बॉईल करके भी खा सकते हैं हम लोग को, इवनिंग भी खा सकते हैं स्नैक्स टाइम में 2 पैकेट। और तोरी मस्टर्ड 3 पैकेट, और विम का सोप 2 वीक्स के एक सोप आते हैं मेरे को, उसके 5 लेके आया, और लक्स सोप बड़ी बेटी के लिए, क्लोजअप यूज़ करते हैं बच्चा लोग क्लोजअप, मैं तो सेंसोडाइन यूज़ करते हैं, इससे सेंसोडाइन तो सेंसिटिव के लिए अच्छा रहते हैं, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कुछ दूसरा कैमरा तो फुल हो गया, स्पेस फुल हो गया, इसलिए मेरे कैमरा में अभी मैं शूट कर रहा हूँ। ओके कंटिन्यू करता हूँ, अभी ऑलरेडी बताया मैं 1 किलो लेके उल्टी, अभी और 1 किलो 2 किलो हो गया। अभी मैं ज़्यादा ओट्स खा रहा हूँ, क्विकर ओट्स नहीं, ज़्यादा ओट्स खा रहा हूँ, इसमें डोसा बना के खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये जीरा है,
जीरा और जीरा ज्यादा लिए और हाफ के जी लिए हाफ के जी और उन किलो लिए। एक आई इतना बड़े तो घर में यूज करने के लिए और कसायन के लिए और इसके सोकिंग में करके वाटर भी पीता ना, इसलिए ज्यादा लेके आया। और ये चाट मसाला मारने सबको फ्रूट्स में भी खा सकते हैं और वेजिटेबल सैलड में भी हम लोग तो खा सकते हैं। इसके लिए ये पापकॉर्न मच्छा के लिए पूछे हम लोग को, इसलिए बनाने के लिए लेके आया। पेन है और ये देखने में अच्छा है बोल के मैं लेके आया। हेडबैंड दो है ना, दो 40 रुपीस में आ गया, ये भी 30 रुपीस में दो सेट आ गया। और आधना के लिए और दिया के लिए दोनों यूज करने क्या। और आधना को बोले तो ज़्यादा ब्यूटी में उनको मेकअप करे तो उनके ज़्यादा इष्ट है, इसलिए उनके लिए छोटा गिफ्ट। ये तो 145। ये फ्रिज में डालने के लिए स्टिकर है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं डालना वाले तो उतना है आशा है। फ्रिज लेने के टाइम में ये करना बोल के 6 इयर्स हुआ फ्रिज लेके, अभी भी नहीं लगाया। डुमड्रम किधर मिलता बोल के फिर नहीं लगाया, अभी डी मार्ट में देखो ऐसा लेके आया। अभी मैं डाल के मैं वीडियो करके डालता हूँ कैसा है मेरा फ्रिज बोल के बोलिए कमेंट्स में। और बिस्किट स्नैक्स कुछ भी नहीं लाते बोलना, पाल बिस्किट ले दो पाली जी। ये पाली जी मेरा बड़ा बेटा को बहुत बहुत इष्ट है, उन्होंने बहुत इष्ट से उन्हें खाते हैं। उनको एक बड़ा ये बड़ा पैकेट उनको लेता हूँ पाल पीने के टाइम ये खाते हैं। फिर और कभी कभी भूख लगे तो बिस्किट पूछते हैं। बिस्किट एवरीबॉडी कैसा पूछते हैं, पुचिता बोल के उन पूछते हैं। ऐसे कल देखिए तो बिहार बहुत आ गया, रोना आ गया उधर भी डी मार्ट में भी लेके आया उनके लिए। और क्या अच्छा के लिए भी मैं काटता हूँ इसके लिए। और पैम्पर्स बच्चा छोटी बच्ची की, ये लेडीज आइटम। ये अमूल घी 1/2 लीटर। और ये देखने में अच्छा है, इसमें देखिए स्टिचिंग करते हैं ना हम लोग को, 12 कलर्स इसमें है थ्रेड पूरा कलर में इसमें है। 12 कलर बोले तो आप समझे ना, ब्लैक वाला पूरा कलर में है। और इसके साथ क्या क्या आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ये स्टिचिंग का नीडल, और सिस्टर भी आ गया उसके साथ, ये भी नीडल, और बटन्स दो वेरिटी बटन्स और हुक, ये सब सब आ गया। एक सिस्टर भी आ गया, ये पूरा 160 की ये पूरा आ गया। देखने में अच्छा है, यदि हम लोग स्टिचिंग करने हैं तो ये पूरा होना है ना सेटअप होना, इसलिए लेके आया। अच्छा है देखने में पाउच। कभी कभी घर में सिसर लेता होता ना, ये पूरा सेटअप इसके लिए सेपरेट ले तो अच्छा रहता है, एक्सबॉक्स में रखे तो अच्छा रहता है इसलिए। और ये कम्फर्ट ऑलरेडी हमारा लिक्विड तो मालूम है, वो लिक्विड का स्मेल से अच्छा रहता है, कम्फर्ट नहीं होना। फिर भी अभी रेनिंग का सीजन हो रहा है और छोटा बच्चा बच्ची है ना उनका अभी यूरिन स्मेल नहीं आ रहा बोल के लेके आया उसके लिए उनके लिए। सर्दी हो गया मेरे को इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स,
ये वीडियो मैं काई को बोले तो मेरा घर में हम लोग को सिक्स मेंबर्स है ना, सिक्स मेंबर्स के आइटम्स को कितना लिए, थ्री बैग्स, फिर भी ज़्यादा ये पूरा खाली नहीं होता, दो महीने तक मैं आते हैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका अमाउंट कितना हुआ बोले तो आप लोग बोलिए। मैं सोचा 10,000 आते बोल के, मेरा ट्रॉली फुल में ले आके आए थे, मेरे हस्बैंड को पूछे कितना प्राइस में कितना बोले तो उन्होंने बोले 10,000 और 10,000 ऐसा बोल के मेरे शॉक आ गया, चक्कर आ गया। फिर बाद में बिल का रेट टाइम सोचा, बिल का रेट टाइम देख ले देखे तो 5,700 रुपीस आ गया समथिंग, कुछ थोड़ा रिलीफ हो गया उस टाइम। अच्छा है रीजनेबल प्राइस में हमारा बजट को, एक महीना का नहीं, दो महीना का मैं सामान ले लिए। अभी ये महीना यूज़ कर रहे बोले तो नेक्स्ट महीना भी आते कि मैं बोलता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद नहीं है तो भी आप लोग शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। बाय।